हाँ, तो अब लेते हैं हम क्वाड्रेटिक वाला पार्ट। तो क्वाड्रेटिक में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन मानूंगा इसको मैं, ठीक है? तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 चल, ठीक है? तो 2+√3 का पावर x² - 2x+1, करेक्ट है, प्लस 2 - √3 इसका पावर इज x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 4/(2 - √3)। परफेक्ट है ना क्वेश्चन? चलो तो मुझे निकालना क्या है, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो मतलब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2+√3, 2 - √3 देख के हमें क्लिक क्या करना चाहिए, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा इस पर, ये टू पर, मतलब मैंने कहा अलग से टू, एक काम करो अलग से 2 - √3 को रेशनलाइज करो, तो क्या आएगा 2+√3, नीचे 2+√3, तो दिस इज बेसिकली 1/(2 + √3)। ठीक है, ये चीज मैं फैक्ट यूज करने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़ा सिमिलर कैटेगरी क्वेश्चन हमने हमारा शीट में आया हुआ है, ठीक है ना? बट उसमें थोड़ा सा इससे हल्का था, ये थोड़ा उससे भारी है, ठीक है? चलो अब मैंने बोला करते हैं, तो देखो इधर ही मैं चेंज कर देता हूं, नहीं तो चलो ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं +(+x²-2x) ये लिखा है, कितना लिखा है x²-2x, शायद -1 था, क्या था, -1 था ये हमारा, ठीक है? तो मैं इसको लिख रहा हूं +1 - 2 लिख सकता हूं, +1 - 2, बिल्कुल मैं इसी टाइप से बनाना चाह रहा हूं, ये मेरा थिंकिंग है। तो मैंने बोला +4, तो उल्टा लिख दिया माइनस, एक मिनट, ये लिखा है, ये हमारा -2 था, अब करेक्ट है, हाँ करेक्ट ही लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो क्या किया इसको, इसको तो मैंने एज इट इज लिखा 2+√3 इसकी पावर, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ x - 1 का स्क्वायर, बिल्कुल नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, बट लिख दिया, ठीक है? थोड़ा छोटा दिखेगा एक्सप्रेशन, इसको मैं 1/(2 + √3) लिख सकता हूँ रैशनलाइजेशन से, इसकी पावर, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x - 1 का स्क्वायर - 2, और इधर हमारा 4 × रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा 2+√3। अब सुनना, अब एक मिनट, पावर को मैं नीचे ले गया, ठीक है ना? तो आई एम कीपिंग इट हेयर पावर, तो ये हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर - 2, ठीक है? अब -2 और इसको सेपरेट किया, तो जैसे मैंने, मेरे पास लिखा है x की पावर a - b, तो हम क्या लिख सकते हैं x की पावर a / x की पावर b, ठीक है? तो उसी तरीके से अब देखना, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, इसकी पावर ये -2 लिखा है, तो ये पावर ये क्या आ जाएगा, this/(2+√3)2, ये ऊपर चला जाएगा 2+√3 का स्क्वायर, 2+√3 का स्क्वायर। ये अब हो गया हमारा क्वेश्चन काफी कुछ सिमिलर टू अवर शीट क्वेश्चन। तो क्या करें हम इसको टी मान लेते हैं। तो मैंने बोला लेट लेट 2+√3 इसकी पावर x - 1 का स्क्वायर = t, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया टी प्लस, अब देखना 2+√3 का स्क्वायर / t इज इक्वल टू 4 × 2+√3। क्वाड्रेटिक बना लेते हैं एलसीएम लेके, तो ये t² - 4 × 2+√3 × t +2+√3 का स्क्वायर = 0। देखो एक बार, करेक्ट है। अब वो फॉर्मूला लगा लेते हैं -b + -√b² - 4ac/2a, तो देखो t का वैल्यू कितना आएगा, t = 4 × 2+√3, ठीक है, +√b² तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 × 2+√3 का स्क्वायर b² -4ac, तो -4 × 2+√3 का स्क्वायर / 2a, तो a तो 1 है तो 2 हो गया। चलो इसको मैं ऊपर का रब कर रहा हूं थोड़ा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तुम लोग इतना कॉपी कर लो, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो देखना, ये मेरा x - 1 का स्क्वायर था, ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड। हाँ, तो इधर मेरा क्या आया, देखो 4 × 2+√3 प्लस माइनस, अब देखो 16 - 4 = 12 लिख दो इसको, तो यही चेंज कर देता हूं, दिस इज 12 हियर, ठीक है, 4 कॉमन ले, इसमें से 4 बाहर ले लेता हूं, तो या फिर ऐसे लिख लो 12, √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, चलो
एक काम करते हैं अंडर रूट ही लेते हैं, तो रूट 12 कितना होगा, 2 रूट 3, 4 3 12 होता है, हाँ 4 3 तो 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, देखो करेक्ट लिखा है अपॉन 2, एक 2 2 कैंसिल कर देते न्यूमरेटर से, ये 2 कैंसिल हो गया इससे और इधर बचा 2 टाइम्स, ठीक है। अब मैं प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग देख रहा हूं, बीच में प्लस लाइन के, एक रूट प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग, एक माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग, तो प्लस वाला ये देखो 2 टू द 4 प्लस 2 रूट 3, अब प्लस वाला ले रहा हूं तो प्लस 2 रूट 3 प्लस 3, तो ये कितना आया 7 प्लस 4 रूट 3, तो एक रूट तो मेरा ये आया। एक बार माइनस के करस्पॉन्डिंग इधर लिख लेता हूं मैं, तो मैं इसको अगेन इसको थोड़ा सा और रब कर देता हूं, देखो माइनस के करस्पॉन्डिंग तो 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 माइनस 3, तो ये कैंसिल हुआ, दिस इज 1, तो एक रूट बनाया एक ये आया, टी की वैल्यू आई अभी, एक्स नहीं आई, ठीक है ना। बट अब इसको इक्वेट कर देते इधर, तो देखो 2 प्लस रूट 3 की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3। अब देख लो क्या ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो आंसर मिलेगा यस। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करके देखो, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 रूट 3, इसका मतलब ये चीज किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इधर से x कितना आया 1 प्लस माइनस रूट 2, तो एक तो आ गया ये हमारा आंसर 1 प्लस माइनस रूट 2, एक अभी ये 1 के करस्पॉन्डिंग, तो इधर क्या होगा 2 प्लस रूट 3 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 1 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 प्लस रूट 3 की पावर 0, तो इधर से क्या आएगा, पावर इक्वेट करूंगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हिच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, तो तीन वैल्यूज आई x की 1 एंड 1 प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा क्या मतलब काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, प्योर आईआईटी बेस्ड। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है ना, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर आईआईटी 2010 में आ चुका है, और क्या है हमारा, लेट पी एन क्यू बी द रियल नंबर सच दैट दिस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो एक दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, और एक दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू, और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, एक मिनट देख लेता हूं दोबारा, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स जिस क्वाड्रेटिक जो निकालना है क्वाड्रेटिक उसका, इन दोनों का सम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ठीक है, विच इज फर्दर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो ये तो मेरा आ गया सम। प्रोडक्ट तो कोई भी बता देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, प्रोडक्ट वन, तो फाइनली मुझे ये चीज सम और प्रोडक्ट मिल गया उस क्वाड्रेटिक का जो मुझे निकालनी है, तो हम कौन क्या फैक्ट यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, बस प्रोडक्ट तो वन है, तो ये तो वन रख ही दिया मैंने, बस मेन और टारगेट मेरा क्या है सम निकालना, सम निकालने के लिए हम इधर से यूज करेंगे सम, कौन सा सम, ये सम अल्फा प्लस बीटा नहीं, वो तो दे रखा है माइनस पी, ये निकालना है, तो इसके लिए देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली रख दो, तो मेन टारगेट क्या है मेरा, अल्फा बीटा निकालना, इन दो इन्फॉर्मेशन से आई हैव टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा, वो मैं इधर रख दूंगा तो सम आ गया, वो इधर रख दूंगा बस, तो अब इस पे आते हैं अल्फा बीटा निकालने पर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू क्यू दे रखा है, ये दे रखा है माइनस पी, तो माइनस पी इंटू इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस टू अल्फा बीटा और एक माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस थ्री अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू क्यू, इस माइनस पी को इधर लेके गए तो माइनस क्यू बाय पी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी डाला, तो पी स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी, इसको इधर लेके आए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी इज इक्वल टू थ्री अल्फा बीटा, तो फाइनली एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू डिवाइड बाय 3p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, बस अब तुम लोग कर लेना, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू इधर रखना और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना, तो s मिल जाएगा तुम्हें p और q के टर्म्स में, वो उठा के इधर रख देना बस, क्वाड्रेटिक आ जाएगी p और q के टर्म्स में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी कि ऐसा नहीं कि आईआईटी में बहुत हार्ड क्वेश्चन,
सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल्स पे सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 भी काफी हद तक वही सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट रूट के ऊपर है। तो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, और एक और क्वाड्रेटिक दी है एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बाय टू एंड टू बीटा। तो हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर क्या है बेसिकली, पी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। इस वाली क्वेश्चन से किसी भी एक से बोल दो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो आर आ गया। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन से सम ऑफ फ्रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाय ए मतलब पी। दूसरी वाले क्वेश्चन से अल्फा अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा सम ऑफ फ्रूट इज इक्वल टू क्यू। अब क्या करो, अब इन दोनों से अल्फा बीटा निकाल लो, उन दोनों का प्रोडक्ट लेके इधर रख दो। तो सिंपल इक्वेशन है, क्या करो इस वाले इक्वेशन को एक काम करो टू से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टू अल्फा माइनस अल्फा बाय टू थ्री अल्फा बाय टू, टू बीटा माइनस टू बीटा जीरो इज इक्वल टू टू पी माइनस क्यू। तो इधर से अल्फा आ गया हमारा टू बाय थ्री टाइम्स टू पी माइनस क्यू। अब अल्फा उठा के इस वाले में दोबारा रख दो तो तुम्हारा बीटा आ जाएगा पी और क्यू के टर्म्स में। एक बार अल्फा और बीटा आ गए इधर रख दो तो आर आ गया, ठीक है। अब कर लोगे आई होप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक हमारा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है। फिर गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स है गामा और डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में दे रखे हैं, देन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एवरेज क्वेश्चन है। तो इसके लिए जीपी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वैसे भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने उधर तुम्हें बोला था कि अभी के लिए जीपी ऐसे मान लो, बाद में डिटेल डिस्कशन हम जीपी का सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में करेंगे। तो उसने दे रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, तो मैंने अल्फा को मान लिया एक मिनट के लिए ए, तो बीटा क्या हो जाएगा ए इंटू आर, गामा क्या हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर, एंड डेल्टा क्या हो जाएगा ए इंटू आर क्यू। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है तो मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा को। अब पहली इंफॉर्मेशन से अच्छा मुझे निकालना क्या P और Q, तो P और Q है क्या वो तो देख लेते हैं पहले। तो P इज व्हाट, सम ऑफ रूट सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो A स्क्वायर इनटू R, मतलब ऐसे लिख लो नहीं तो अलग अलग, पहले अल्फा इनटू बीटा व्हिच इज फादर इक्वल्स टू A इनटू AR व्हिच इज इक्वल टू A स्क्वायर R, और Q जो है मेरा वो क्या है गामा इनटू डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट है Q, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर इनटू ए आर क्यू, दैट इज ए स्क्वायर इनटू आर की पावर 5। तो बेसिकली ए और आर निकालना है मुझे, ए और आर आ जाएंगे तो मैं इसमें रख दूंगा पी और क्यू आ जाएंगे मेरे। अब देखते हैं पहले सम ऑफ रूट से, तो ए प्लस ए आर इज इक्वल टू वन, तो इधर से आए ए इंटू वन प्लस आर इक्वल्स टू वन, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन गामा प्लस डेल्टा इज 4, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू इज इक्वल टू 4 गामा प्लस डेल्टा। इधर से मैंने ए आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4, दिस इज माय इक्वेशन 2। अब देखो ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 को, अगर मैंने डिवाइड किया तो एक गायब हो जाएगा केवल आर बचेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर आ गया तो मैं इसमें रख दूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, या 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड द सेम थिंग, तो ये इससे डिवाइड करूंगा या चलो इसको 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं। तो ए आर स्क्वायर अपॉन ए केवल आर स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस आर अपॉन 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो आर का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 2, आर इज प्लस माइनस 2। अब रख देते हैं, तो मैंने बोला पहले लेट से प्लस ले लेता हूं, मैं एक मिनट के लिए प्लस ले लेता हूं पहले। अच्छा देखो अगर मान लो जैसे अभी तो उसने नहीं बोला कि जो अल्फा बीटा गामा है जीपी में इंक्रीजिंग जीपी है, अगर वो मान लो ऐसे बोल देता इंक्रीजिंग जीपी है तो हम आर की वैल्यू माइनस रिजेक्ट कर देते, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं बोला तो दोनों केस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आर की वैल्यू प्लस 2 ले ली मैंने, लेट आर इज इक्वल टू 2, तो इधर से ए कितना आएगा पहली इक्वेशन में रख दो, हाँ तो 2 प्लस 1 3, तो ए इज इक्वल टू 1 बाय 3, ठीक है। अच्छा और इधर से आर इज इक्वल टू मैंने नेगेटिव वाला लिया R is equal to minus 2, तो A का वैल्यू कितना आया minus 2 इधर रखोगे तो minus 2 plus 1 is minus 1, A is equal to minus 1। अब बस ये दोनों वैल्यूज इसमें रख दो रूट्स में, तो P की वैल्यू क्या आई इसके करस्पॉन्डिंग P कितना आएगा
ए स्क्वायर इंटू आर, तो 1 बाय 9 इंटू 2, तो क्या ये इंटीजर आया? नहीं आया, इसका मतलब ये वाले करस्पॉन्डिंग हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो एक बार ध्यान से पढ़ो, द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं बोलूंगा, इसका मतलब इधर वाले पे आते हैं, तो पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर, ए स्क्वायर इज 1 इंटू आर इज 2 माइनस 2, तो ये आंसर आ गया माइनस 2, क्यू इज ए स्क्वायर विच इज 1 इंटू आर की पावर 5, तो माइनस 2 की पावर 5 विच इज माइनस 32, तो आंसर हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 32, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा मिक्सअप हो गया क्वाड्रेटिक और अपना सीक्वेंस सीरीज। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th, हाँ 15th क्वेश्चन पे आओ, लेट ए बी सी आर रियल नंबर्स विद ए डिजिट दिस, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो उसने दे रखा है ए एक्स स्क्वायर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अच्छे से मतलब थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, इक्वेशन क्या दे रखी है, ए क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी इंटू एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स बोलने लेट से गामा और डेल्टा, मुझे इसके रूट्स बोलने इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से और एक सिंपल सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से, तो पहले मैं इजी मेथड बता रहा हूं, इजी तो दोनों ही है हालांकि टफ नहीं है, क्या किया अपन ने, इस वाले क्वाड्रेटिक को ए क्यूब से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो मतलब ए तो नॉन जीरो होगा, तो ए क्यूब भी नॉन जीरो होगा, तो मैंने लिखा एक्स डिवाइड बाय ए क्यूब, तो प्लस अब इसके नीचे ए क्यूब आएगा, ए के तो चला जाएगा, बी सी अपॉन ए स्क्वायर आएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया बी बाय ए इंटू सी बाय ए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू यूज द फैक्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द प्रीवियस इक्वेशन प्लस सी बाय ए का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है? अच्छा अब मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखना है अल्फा बी बाय ए कितना आएगा इस वाली इक्वेशन से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो बी बाय ए कितना होगा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, देखो ध्यान से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना होगा सी बाय, तो इधर सी बाय कितना होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस सी बाय ए का क्यूब, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का क्यूब, तो इसको लिख सकता हूं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, क्लियर है यहां तक? अब देखना इंपॉर्टेंट स्टेप, इज इक्वल टू जीरो, अब इसको ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखना क्या आ रहा है इधर, इधर एक्स मिसिंग है अपना, ये वाला एक्स, ठीक है ये वाला एक्स, अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स प्लस, अब मैंने क्या किया ये देख के इसको भी इसी के टर्म से लिखा प्रोडक्ट में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा विच इज नथिंग बट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ओनली, अब हमारा स्टैंडर्ड बन गया, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है तो क्या बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, ये सम ऑफ रूट है और उन्हीं का दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो गए अल्फा स्क्वायर बीटा एंड बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है अच्छा मेथड टू मैं पूरा नहीं करूंगा, मेथड टू हिंट दे रहा हूं मैं, तुम लोग ट्राई करना मुझे बताना कि तुम्हारा आया नहीं, एक तो हिंट यही है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है ठीक है कैसे करेंगे एक काम करो नहीं तो मैं बता दूंगा फिर मजा नहीं आएगा, सोच नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है ना क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है मुश्किल से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है सोचने वाले सोचने वाले, तो एक काम करो ये मेथड वन हो गया, अब मेथड टू तुम बताना, मैं हिंट इतना दे रहा हूं बस, यूज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, दिस इज द हिंट, टॉपिक बता दिया, अब कैसे करना है वो तुम्हारा ड्यूटी है, ठीक है नहीं आता है तो प्लीज फ्री यू आर फ्री टू आस्क, ठीक ना मुझे व्हाट्सएप करो आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है मेथड टू तुम लोगों को इसको करना है बताना, ये अच्छा क्वेश्चन है सोचने वाला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से हो जाएगा ये, ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हाँ ये भी थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफ का यूज होगा, ये भी तुम्हारा आईआईटी में आ चुका है स्क्रीनिंग, ठीक है ना आईआईटी स्क्रीनिंग लिखा है नीचे 2000, तो लिखा इफ क्या इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन द इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो हैज बोथ द रूट्स, रूट के बारे में पूछा है कि कहां आएंगे रूट्स,
तो मान लिया लेट्स से दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, लेट्स से दिस इज माय एफ ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक है ये मेरा। अच्छा अब मैंने बोला एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ ए कितना है, तो ए रखोगे इसमें क्या आएगा माइनस वन, सॉरी हाँ माइनस वन आएगा, करेक्ट है। और एफ ऑफ बी क्या है, जब बीस में रखोगे तो दैट विल बी अगेन माइनस वन। एफ ए और एफ बी नेगेटिव आ रहे हैं, मैंने बोला कोई और दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक जो है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड है, प्लस ए और बी पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या होगा ए और बी बिटवीन द रूट्स आना चाहिए। तो देयर आर टू सिनेरियोस ए बी, अगर एफ ए और एफ बी दोनों नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब और पैराबोला अपवर्ड है ये पता हो गया, तो दिस इज द सिनेरियो, या फिर दिस इज द सिनेरियो ए बी, क्लियर है, बिकॉज इधर भी एफ ए नेगेटिव होगा एफ बी नेगेटिव होगा, इधर भी एफ ए नेगेटिव एफ बी नेगेटिव, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, तो बिटवीन द रूट्स लेट्स से ये रूट है मेरा अल्फा बीटा, तो बिटवीन द रूट्स आएंगे ए और बी, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। अब इसमें एक और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा है तो मतलब बी राइट में आएगा, तो इसका मतलब ये वाला सिनेरियो खत्म। तो मतलब हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन दे रहा है जेई में जो, तो इसका मतलब हर एक चीज का, इससे छोटी सी ये छोटी इन्फॉर्मेशन से भी अब हमारा ये पैराबोला हट गया, तो मतलब हमारा ये आंसर हो गया, आंसर हो गया मतलब दिस इज द पैराबोला फॉर दिस कर्व, सॉरी दिस इज द ग्राफ फॉर दिस कर्व। अब आते हैं ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन में अब हम क्या कमेंट कर सकते हैं, डी ऑप्शन देखो, वन रूट इज लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू ए, तो इधर माइनस इंफिनिटी ये तो हटा दिया मैंने, काम खत्म इसका, माइनस इंफिनिटी से ए इसके बीच में एक रूट आ रहा है, और एक रूट आ रहा है मेरा बी से इंफिनिटी, बी से इंफिनिटी विच इज करेक्ट परफेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्लियर है। चलो तो लोकेशन ऑफ रूट्स का बोल सकते हैं इसको क्वेश्चन, या साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, ठीक है, सो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो 2x square plus 4x minus 5 equals to 0. Then the equation whose roots are, इसके roots तो alpha beta है, ये भी transformation से दे रखा है। अब बोल रखा है एक ऐसी quadratic निकालो जिसके roots हैं reciprocal of 2 alpha minus 3, तो 1 upon 2 alpha minus 3 और 1 upon 2 beta minus 3, तो मुझे एक quadratic निकालना है जिसके रूट्स ये हैं, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, लेट्स से दिस इज गामा, गामा मान लो कुछ भी मान लो, तो क्या करते हैं हम पहले अल्फा निकालते हैं गामा के टर्म्स में, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा माइनस 3 गामा, तो हो गया 1 प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा, तो अल्फा कितना आया 1 प्लस 3 गामा अपॉन 2 गामा, अल्फा आ गया इसमें रख दो बस अल्फा, क्योंकि इसका रूट है, तो इधर क्या मिलेगा तुम्हें, तो मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग इट कम्प्लीटली, इट्स योर टास्क इज टू कम्प्लीट इट, अल्फा की वैल्यू इधर रखो तो तुम्हें क्या होगा गामा में क्वाड्रेटिक बनेगी, दैट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, बट गामा की जगह तुम वेरिएबल का नाम कुछ भी यूज कर लो, ठीक है ना, लेट्स से मैंने एक्स, देखो एक काम करना ये इधर रखना, गामा में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, गामा को एक्स से रिप्लेस कर देना, दैट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो, बेसिक क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है ना, बस लैंग्वेज थी थोड़ी सी इसलिए मैंने दिया था, मेरा टारगेट ये था, तो उसने क्योंकि बहुत से बच्चों ने शायद डायरेक्टली 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 3 ले लिए होंगे, बट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या लिखा है, हूज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इसका उल्टा मतलब 1 अपॉन दिस, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18th नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 18th, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, then the quadratic equation whose roots are alpha square plus p, alpha square plus r by p, sorry, and beta square plus r by p, ठीक है, simple है ये भी transformation of roots, तो मान लो इसको let's say कुछ तो मान लो r इधर use किया तो gamma से तो confusion होगा, एक काम करो theta मान लो, ठीक है, तो क्या करो पहले alpha को निकालो theta के terms में और फिर alpha इधर रख दो, ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा, चलो मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, तो थोड़ा सा calculation होगा इसमें, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा माइनस आर बाय पी, इधर से अल्फा क्या आ जाएगा प्लस माइनस इसका अंडर रूट, तो ऐसे लिख रहा हूं आर बाय पी का पावर हाफ प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल अब हमने इधर रख दिया, क्यों, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, तो पी अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0, अल्फा रख दो, पी अल्फा स्क्वायर, तो
इसका स्क्वायर करो तो प्लस माइनस तो खत्म, इधर आ जाएगा थीटा माइनस आर बाय पी, ठीक है, माइनस क्यू टाइम्स अल्फा रखोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और थीटा माइनस आर बाय पी का पावर हाफ प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। अब आगे तुम्हें करना है, मैं बता रहा हूं जस्ट क्या करोगे। अब तुम लोग देखो ध्यान से सुनना, अब मुझे अंडर रूट खत्म करना है तो क्या करूं मैं, केवल इस वाले पार्ट को उस साइड लेके जाओ और स्क्वायर कर दो, सिंपल स्क्वायर कर दो, ये अंडर रूट वाले पार्ट को उधर लेके जाओ स्क्वायर कर दो। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, टर्म्स को जब सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लोगे तो थीटा में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, थीटा की जगह एक्स बोल दो, ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक आ गया जिसके रूट से ये। तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का ये बेसिक क्वेश्चन ही है, मतलब क्या बोलते हैं अपना कंसेप्ट वाइज, बट कैलकुलेशन वाइज इट इज अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, स्क्वायर करोगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। चलो अब आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक। हाँ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, दिस इज शायद जेई में भी आया है, देखता हूँ लिखा है कि साइड में, मुझे नहीं लिखा तो नहीं है लेकिन मेरे को याद है ऐसा कुछ तो जेई में पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के ऊपर ही। तो देखो क्या है, पहले लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज अ बेस्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इन दिस चैप्टर, ठीक है ना, दिस इज अ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये और इसके बाद वाला दोनों हार्ड क्वेश्चन है, और एक पहले ही हमने ऑलरेडी हार्ड क्वेश्चन एक दो कर चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इज कंपैरेटिवली हार्डर देन ट्रिग्नोमेट्री, इस पेपर का एनालिसिस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अल्फा और बीटा, अब निकालना है अंदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए टाइम्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स 2x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 प्लस सी टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसके रूट्स पे कमेंट करना है, ठीक है, तो कैसे करें हम, और रूट्स भी मुझे क्या निकालना है, अल्फा बीटा वगैरह के टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। तो देखो दिक्कत तो है इसमें, अगर एक बहुत क्रिटिकल अगर स्टेप क्लियर नहीं, वो क्लिक नहीं किया तो बहुत हार्ड हो जाएगा जो कैलकुलेट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कैसा है, देखो फॉर्मेट में तो ये लिखा है जैसे ए बी सी, ठीक है, अब एक्स की जगह कुछ और लिखा है, मुझे चाहिए वो कुछ और सेम चीज हो जाए, कैसे आ सकती है, तो देखना कैसे बनाया अपन ने, थिंक फ्रॉम दिस कॉन्स्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको सी बनाना है मुझे, मेरा टारगेट इसको सी बनाना है, तो क्या करूं मैं, पूरी इक्वेशन को एक्स माइनस वन के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या किया, होल इक्वेशन या फिर ऐसे बोल लो कि हाँ चलो डिवाइड कर दिया, मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स माइनस वन के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इक्वेशन को उधर तो जीरो से डिवाइड होगा तो जीरो ही रहेगा। अब सेपरेट आउट कर देते हैं टर्म्स को, तो इट इज समथिंग लाइक ए टाइम्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स, अब देखो इधर क्या आएगा, एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो अब क्लिक करना चाहिए तुम लोगों को, देखो ये 50% क्वेश्चन हो गया यहां से यहां तक, 50% डन, 50% डन, अब 50% बाकी है, अब 50% बाकी है। अब सोचो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का, कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स से देखो, अब मैंने बोला कि ये मेरा बेसिकली अल्फा का काम कर रहा है, ये मेरा अल्फा का काम कर रहा है, देखो ना ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा लिखा जस्ट। अब क्या हो रहा है ना, ये हार्ड क्वेश्चन इसलिए है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स है ना जो टॉपिक, उसका जस्ट उल्टा चलेंगे अब हम, उल्टा। अभी तक क्या दिया होता था हमें कि एक क्वाड्रेटिक रूट्स अल्फा बीटा, फिर हमें क्वाड्रेटिक निकालना पड़ता था जिसके रूट्स ये और वो है, कुछ तो रहते थे अल्फा बीटा के टर्म्स में, बट इधर उल्टा है, इधर क्वाड्रेटिक दे दिए, अब बताना है कि भाई इसके रूट्स क्या है, इसलिए उल्टा जा रहा है हम। अब इधर से क्या किया, एक्स को निकालो अल्फा के टर्म्स में, दैट विल बी द रूट। देखो क्या करो, सबसे बेस्ट बात इसको ऐसे समझो कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का रूट्स का, चलो एक काम करते पहले निकालते फिर मैं उल्टा समझाऊंगा ना, तो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, बहुत अच्छे से क्लियरिटी है। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा, फिर ये हो जाएगा मेरे को x निकालना है ना, ठीक है, तो इसको लेके आया 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू x टाइम्स अल्फा माइनस 2, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा, इस 2 को उधर लेके गया तो अल्फा 1 प्लस अल्फा, ये प्लस होगा ना, गलत हो गया, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स टाइम्स अल्फा माइनस 2, करेक्ट है। तो यहां से मेरी वैल्यू कितनी आई,
एक्स इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर अपना, वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू करेक्ट सी ऑप्शन, एक बार देख लेते करेक्ट है या नहीं। तो नाइनटीन का सी इज करेक्ट है, परफेक्ट है। अब देखो, अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि ये रूट है। आप कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे, मतलब ये रूट कैसे आया, तो अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब मान लो उल्टा सोचते हैं, मतलब हम सीधा सोचते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली उल्टा दिया था। मैंने बोला तुम्हें अगर मान लो ये दिया होता क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, फिर तुम्हें बोला होता कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर, अब मैं बोलो क्या बोल रहा हूं देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू। मैंने बोला ये कॉमा वन प्लस बीटा अपॉन बीटा माइनस टू। मैंने बोला एक फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, नाउ मैं अलग क्वेश्चन चीज बोल रहा हूं। मैंने बोला कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं ये दोनों, ठीक है। अच्छा फिर हम कैसे स्टार्ट करते, पहले हम इसको इसको क्या लिखते गामा, क्या करते हैं हम इसको इसको गामा लिखते हैं, फिर क्या निकालते हैं जैसे इसको गामा किया किसी भी एक को, तो इसको गामा करके फिर अल्फा निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा, फिर हम क्या करते हैं जो अल्फा आता गामा के टर्म्स में उसको इस क्वाड्रेटिक में रख देते, तो गामा में क्वाड्रेटिक बनता तो उसका रूट क्या होता गामा होता, ऐसे करते हैं। अब देखो उल्टा सोचो इसका, अब मैंने बोला वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू को इंस्टेड ऑफ गामा उसने एक्स बोल दिया एक मिनट के लिए, ठीक है। फिर इससे क्या निकाला, उल्टा चल रहा हूं उल्टा चल रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग रिवर्स, इधर से क्या निकाल लिया अल्फा निकाल लिया इसके टर्म्स में, बेसिकली एक्स के गामा देखो तुम तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें, और फिर बेसिकली अल्फा मैंने इस क्वाड्रेटिक में रखा है, तो इधर से क्या है मेरा बेसिकली गामा इज द रूट, और एक्स के मैं क्या बोल रहा हूं गामा, और गामा है क्या मेरा एक्स, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीजें, मैंने बोला एक्स को मैं गामा की तरह बोल रहा हूं, तो देखो ये उल्टा जा रहे हैं, तो इधर हमने गामा ही लिखा है ये एक्स की जगह, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे गामा, और गामा है क्या वन प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू। नहीं भी आया थोड़ा वीडियो को रिमाइंड करो, देखो आएगा 100% आएगा, बहुत अच्छी चीज है, और मेरी मानना जब तक नहीं आया आगे मत बढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, डाउट आ रहा है नहीं समझ में आया तो आस्क मी, व्हाट्सएप करो मुझे कि नहीं सर हमें नहीं आया, तो फिर मैं और एक दो क्वेश्चन और इस पे इलस्ट्रेशन दे दूंगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जिसमें रिवर्स जाना हो हमें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के, बट करना जरूरी है क्वेश्चन, बहुत ही सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर का। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर पेपर, ठीक है, इसके बाद हमारा डिस्कशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला, तो लिख लेते पहले क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 20 रूट 6, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत अच्छा लेवल है, ए रूट ए रूट ए एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 इसकी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 माइनस फिर वही अंडर रूट ऑफ एक्स रूट एक्स एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है इज इक्वल टू 10, और एक क्वेश्चन दे रखी हमें ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन एक्स इज इक्वल टू देन फाइंड एक्स फाइंड एक्स, ठीक है एक्स निकालना। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखना आप ध्यान से, सबसे पहले टारगेट हमारा इस चीज को तो सिंप्लीफाई करें, तो दिस ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको और इसको मतलब एक बार रूट एक आ गया तो रूट एक्स का तो आ ही जाएगा, मतलब एक ही जगह एक्स रख देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना अपने आप में एक टारगेट है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दो तरीके हैं इसको, एक तो हम जीपी का यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट जीपी का, अगेन वो चीज तुम्हें नहीं पता है तो मैं क्वाड्रेटिक की तरह बताऊंगा तुम्हें, वैसे इसको इनफाइनाइट जीपी की तरह भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, बट अभी के लिए हम जो हमें पता है उस नॉलेज के हिसाब से ये क्या लिखा है, देखो लेट्स से मैं इसको एक मिनट के लिए मैं इसको वाई बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए एंड सो ऑन, ऐसे दे रखा है, तो इस टाइप का इन्फिनिटी टाइप का हम तो एक दो क्वेश्चन किए शीट में, नॉट दिस वन बट उधर प्लस प्लस टाइप का कुछ था, ठीक है ना, अंदर बट इसमें प्रोडक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला इतने पार्ट को फोकस करो, जस्ट ऐसे करो, इधर हाथ रखा है एक मिनट के लिए मैंने, जस्ट लुक इनटू दिस, अभी जो मैं दिख रहा है तुम्हें बोर्ड पे मेरे थंब के साइड, वो अगेन वाई है बिकॉज इन्फिनिटी तक जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने कहा दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू, और जो मैंने लिखा है जो भी ब्लैक से मार्क करा है दैट इटसेल्फ इज अ वाई, हाँ या ना, ठीक है क्लियर हुआ। अब मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, तो वाई कितना आया मेरा इज इक्वल टू ए,
जीरो आ रही है तो जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो माई वाइस ए, क्लियर है यहां तक? तुम कहने का मतलब कुल मिला के अंडर रूट वाला जो डरावनी चीज दे रखी है दैट इज सिंप्लीफाइड करके ए आ गया। चलो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो, मैं उसको ए हटा ए लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखना तो मैं इस वाले पार्ट को हटा के इतना बड़ा सा जो पार्ट था डरावना दैट इज नथिंग बट ए। तो सिमिलरली ये रूट एक्स वाला एक्स हो जाएगा, ये वेरिएबल का नाम ही तो अलग है, ये एक्स हो जाएगा सेम लाइन पे, ठीक है ना। जैसे उधर ए था तो उधर एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, अच्छा इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, और उसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री किसके बराबर है ए, तो ये भी खत्म। अब हमारा बचा ए, अब 25% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 20% नॉट 20 to 25% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी भी कहानी बाकी है। मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बाद में रिवीजन के टाइम नोट्स में कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अच्छा अब मैं बोल रहा हूं देखना, स्क्वायर रूट के अंदर रूट दे रखा है तो देखो 90% चांसेस है कि अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। अच्छा किसकी बनेगी वो हमें हिंट लगेगा यहां से, इस टाइप का क्वेश्चन हम किए भी हैं। इधर 5 - 2√6 है तो इधर हमारा क्या होना चाहिए, 5 + 2√6, क्योंकि 5 - 2√6 एंड 5 + 2√6 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो एक मिनट के लिए मैंने क्या किया, 5 + 2√6 का स्क्वायर अलग से निकाल के देख लिया, मैंने स्क्वायर दिस तो क्या आएगा 25 + 24 = 49 + 5 - 10 = 20 तो 20√6, तो लकीली आ गया हमारा ये। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर ये लिखा है, तो बेसिकली अंडर रूट क्या पावर और इसकी पावर लिखा है ए, तो फाइनली ये क्या बना 5 + 2√6 की पावर ए प्लस, और मैंने बोला 5 - 2√6 एंड 5 + 2√6 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो बेसिकली या फिर रैशनलाइज करके देख लो तुम लोग, तो वो हो जाएगा 1/5 + 2√6 इसकी पावर ए, दिस इज इक्वल टू 10। तो अब हो गया हमारा, मतलब ये समझ लो 70% 80% क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 80%। अब 20% बचा हमारा, तो वो और कर लेते हैं। तो अब कोर्स क्या करें, इसको टी मान लेते हैं, तो अगर ये टी है तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं टी प्लस 1/t का एलसीएम लेके, टी स्क्वायर माइनस 10t + 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से टी की वैल्यू आ गई, कितनी आई हमारी 10 + - अंडर रूट ऑफ, अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो 100 - 4/2 देखो, ठीक है। और 96 बना तो 96 को एक बार ऐसे करके देख लेते, वैसे कितना था 4√3 आएगा, 6 2 से गया 4√6 कर लेते हैं, फिर भी 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 तो इससे 4 और √6, ठीक है 4√6, तो 10 + - 4√6/2 तो एक 2 घटा देते हैं, तो 5 + - 2√6 ये मेरा t आया, अभी a नहीं आया है, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे, a हमने माना किसको है, t किसको माना है, इस वाले पार्ट को ना, तो अब 5 + 2√6 की पावर a इज इक्वल टू 5 + - 2√6, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, तुम लोग कॉपी करो। तो देखो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, तो प्लस साइन लोगे, लेट से मैं पहले प्लस साइन ले रहा हूं, प्लस साइन ले रहा हूं तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। एक बार माइनस, एक बार मैं ये, एक तो a इज इक्वल टू 1 आया, अब एक बार मैं इधर माइनस ले रहा हूं तो क्या आएगा a इज इक्वल टू -1 आएगा, बिकॉज इसको क्या लिख सकता हूं 5 + 1/5 + 2√6 तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6 की पावर -1, तो एक बार आएगा a इज इक्वल टू -1, क्लियर है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अब सुनना, a इज इक्वल टू -1 हो सकता है क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं। व्हाई, पॉज करके सोचो, द रीजन इज जो इनिशियल एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें अंडर रूट में दे रखा था ना, ऐसे दे रखा था a अंडर रूट, तो a अगर नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट वाली क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं होगी, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -1 इज रिजेक्टेड, तो फाइनली a इज 1 ओनली, a को इधर रखा, अब कंप्लीट होगी कहानी। उसमें भी थोड़ा सा अभी देखना, x²-3 = 1 तो x² = 4, x = +2, -2, ठीक है। और अनलकीली क्या हो रखा है ना, जैसे a = -2 मान लो तुमने तो रिजेक्ट नहीं किया होता, एक मिनट के लिए हमने तो रिजेक्ट कर लिया, मगर नहीं किया होता, व्हेन यू विल पुट इट हियर तो तुम्हें x की वैल्यू आती +√2, -√2 और इससे आई +2, -2 और अनलकीली चारों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है।
बट उसमें से एक ही करेक्ट है, कौन सा? कैसे बोला मैंने, ये तो दोनों a is equal to minus 1 के corresponding आई, वो तो हो नहीं सकती because a cannot be minus 1. Similarly here also x cannot be negative. Why? Because जो initial expression था उसमें x क्या था, under root के अंदर था ना, तो again ये भी reject हो गई, तो finally left out is plus 2 only. तो सबसे लेंथी क्वेश्चन होगा हमारे पूरे पेपर का ये वाला 20th क्वेश्चन नंबर, ठीक है. तो ओवरऑल मैं ग्रेड कर देता हूं, जैसे मैं मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 5-6 क्वेश्चन है बताना कौन ने किए. देखो सब, एक तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11th, ठीक है, इसके बाद 15th, 15th थोड़ा ट्रिकी है, नॉट अ लेंथी वन बट बिट ट्रिकी, ठीक है ना, 15th, उसके बाद 19, 20, इवन 18th वाले में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, और फिर ट्रिगो में हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ट्रिगो तो बता दिया, लास्ट 20 टाइप में क्वेश्चन नंबर 22 इज अ गुड क्वेश्चन, उसके बाद हमारा 23 भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है बिकॉज लेटेस्ट में पढ़ा हमने टॉपिक, तो बच्चों ने हो सकता है सैटरडे का वीडियो देखा भी ना हो, उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, बट हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी उसकी, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम मंडे को करने वाले थे बस. तो मतलब कह रहे हैं, कुल मिला के कहने का मतलब 5-6 क्वेश्चन है इसमें, 6-7 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना. सो दिस पेपर इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ क्वाइट गुड पेपर, ठीक है ना, टफनेस भी है काफी, लेंथ वाइज भी काफी है, तो देखते हैं कितना कितना स्कोर है, ठीक है फिर. चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.